तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ईएमपी हेडशॉट ट्रिक, जिसे अगर आप लोग कर लेते हो तो हर एक गोली आपका हेडशॉट लगाएगा ईएमपी से। तो आप लोग क्या ट्रिक है, चलिए आप लोगों को दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद तो बहुत कोई बोलेगा कि यार हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड आप लोगों को ट्रिक भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका हेडशॉट लगेगा। तो कौन सा वो ट्रिक है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसे आप लोग यूज़ करते हो तो हर एक गोली आपका हेडशॉट लगेगा ईएमपी से। तो हेडशॉट ट्रिक दिखाने से पहले, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर देना है। आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, जो वो भी ईएमपी से हेडशॉट मार पाए। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कैरेक्टर लेना है। तो हेडशॉट वाला आपको कैरेक्टर लेना है, तो देख सकते हो डी भी एक कैरेक्टर है, तो आपको ये कैरेक्टर ले लेना है। देख सकते हो आप लोग, इस कैरेक्टर को आपको लेना है क्योंकि इससे ज़्यादा हेडशॉट लगता है। तो आप लोग अगर हेडशॉट मारना चाहते हो तो इस कैरेक्टर को आपको ले लेना है। कैरेक्टर लेने के बाद आपको क्या करना है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर के बाद क्या चाहिए आप लोगों को, गन स्किन चाहिए। तो कौन सी वाली गन स्किन चाहिए, अगर आपके पास गन स्किन नहीं है तो आप लोग विदाउट गन स्किन भी खेल सकते हो, मतलब कि हेडशॉट लगेगा। चलिए आप लोगों को गन स्किन आप लोगों के पास है तो गन स्किन कौन सा वाला लेना है आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ईएमपी में मतलब कि आपको ईएमपी वाला सेक्शन में जाना है। ईएमपी वाले सेक्शन में जाने के बाद देख सकते हो, तो पहले में आता है ए वाला गन स्किन। तो हर एक बंदे को ये फ्री में मिला था, तो आप लोगों के पास है तो इसको आपको लेना है। अगर आपके पास ए वाला गन स्किन नहीं है तो आपको क्या लेना है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आपके पास ए वाला गन स्किन नहीं है तो आप लोगों को क्या देख के लेना है, आप लोगों को देखना है ईएमपी, जो आप लोग ईएमपी लेकर खेल रहे हो उसमें रेट ऑफ फायर है या फिर एक्यूरेंसी होना चाहिए, मतलब कि रेट ऑफ फायर एंड एक्यूरेंसी होना चाहिए, मतलब कि कुछ भी एक आपको होना चाहिए। देख सकते हो इसमें रेट ऑफ फायर है, इसमें नहीं है। आप लोगों को देख के लेना है कौन सी गन में रेट ऑफ फायर है एंड एक्यूरेंसी है। तो देख सकते हो इस गन में एक्यूरेंसी है तो आपको ये वाला लेना है, इस गन में नहीं है तो ये गन पर डबल रेट ऑफ फायर है, आपको ये लेना है। मतलब कि जिस गन में आपका रेट ऑफ फायर है एंड एक्यूरेंसी है उस गन को आपको लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो नॉर्मल वाला गन है वो भी लेकर खेल सकते हो। तो अगर आपके पास है तो ये वाला गन स्किन आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे इस गन स्किन से ज़्यादा हेडशॉट लगता है। तो देख सकते हो इसमें सिंगल डैमेज है एंड डबल रेट ऑफ फायर है, इसलिए ज़्यादा हेडशॉट लगता है। तो आप लोगों को लेना है रेट ऑफ फायर एंड एक्यूरेंसी वाला गन स्किन ईएमपी। तो इधर आपका हो गया गन स्किन, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपका जो सेंसिटिविटी है फ़ोन का वो आपको ठीक कर लेना है। तो आप लोग अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है 2GB से लेकर 4GB तक, तो आपको इसको सबको आपको फुल कर देना है, जनरल एंड रेड डॉट को फुल करना है। आपके पास हाई एंड डिवाइस है तो आप लोग रेड डॉट को 80 कर सकते हो। तो ऐसे ही आप लोगों को सेंसिटिविटी ठीक कर लेना है। ठीक करने के बाद क्या करना है, आपको कस्टम एचयूडी में आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो फायर बटन है वो आपको आप लोग थोड़ा सा साइज कम कर सकते हो एंड आपको इसको आपको नीचे रखना है, थोड़ा सा आपको नीचे रखना है क्योंकि ड्रैग करना होता है ईएमपी से, इसलिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। इसलिए आपको जो आपका जो फायर बटन है वो आपको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। तो ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सेव कर लेना है, इस कस्टम एचयूडी को आपको सेव कर लेना है। इधर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका काम हो गया, आपका जो ट्रिक है वो आपका काम करना शुरू हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा हेडशॉट लगाएगा ईएमपी से। और एक बात, आपका जो हेडशॉट है वो हैकर की तरफ नहीं लगेगा, वरना लोग आपको हैकर बोलने लग जाएगा। इसलिए क्लिप में जितना दिखा रहा हूँ वही आपका हेडशॉट पड़ेगा। Kill.